मऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से 3 अंतर्राष्ट्रीय चोरों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर मोबाइल चोर गिरोह यूपी से चोरी कर मोबाइल को बांग्लादेश में सप्लाई करता है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए कीमत के 28 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए चोरों में 50,000 रुपए के इनामी पुलिस ने बताए हैं। देखिए, आज 3 व्यक्ति जो है कि गिरफ्तार हुए हैं, जो कि रहने वाले झारखंड के हैं, और ये मुख्यतः गैंग बनाकर एक मोबाइल जो है कि चोरी करना एवं उसको बेचने का कार्य करता था। और यह गैंग जो है पहले काफ़ी समय से सक्रिय था, लिहाजा इस पर गैंगस्टर भी था। कई सारे जो एक मुकदमे मऊ जनपद में, जैसे 6 मुकदमे कोतवाली में, 2 दोहरीघाट थाने में और 1 सरायल खंसी में, मतलब जनपद मऊ से ही कुल 9 मुकदमे थे। लिहाजा गैंगस्टर भी थे, वांछित थे, 50,000 के इनामिया थे। तो और उन दोनों के साथ ही जो 50,000 के 2 इनामिया हैं, उसके साथ एक व्यक्ति और गुलकिया महतो, जो मतलब कुल 3 व्यक्तियों की जो है गिरफ्तारी कल सफलतापूर्वक थाना कोतवाली द्वारा जो है जनपद मऊ के द्वारा किया गया। शुक्रवार को सीओ ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार चोर मूल रूप से झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, जो यूपी में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में इनका नेटवर्क फैला है, जहां पर चोरी के मोबाइल को भेजते हैं। इनके नाम है शेखर महतो, पुत्र गोलकिया महतो, रहने वाले थाना तलझारी साहेबगंज झारखंड का, छोटू कुमार पुत्र जोगेंद्र महतो, जो तलझारी साहेबगंज झारखंड का, और गोलकिया, ये भी झारखंड के ही रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा किया गया। मोबाइल कैसे बेचते थे, कहां से, किस तरह का, मतलब एक गैंग है ये? मोबाइल जो है इन लोगों ने इस तरीके से अपना SOP बनाया है कि मोबाइल चोरी करना और तत्काल उसका सिम निकाल देते हैं, और उस मोबाइल को अपने पूर्व निर्धारित रूट जो इनका गैंग है उसके थ्रू जो है कि उसको ले जाकर हैंड ओवर कर देते हैं। वहाँ पर ले जाके उनका लॉक इत्यादि तोड़ देना, और जो ये बता रहा है अपने बयान में कि कुछ एजेंसियाँ और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको इस देश के बाहर यानी नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि में भी पास करा देते हैं। बकौल सीओ, दूसरे देशों में मोबाइल बेचने के पीछे इस चोर गिरोह का मकसद पुलिस की पकड़ में आने से बचना है। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास से गिरोह की गिरफ्तारी की है। इनके पास से 28 मोबाइल चोरी के मिले हैं, और इन सब के पीछे कारण यही है क्योंकि अगर वो मोबाइल यहाँ पे चालू होगा तो वो पकड़ा जाएगा, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अगर बाहर चला गया तो वहाँ वो सर्विलांस इत्यादि के उस पर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये ऐसा करने का जो कर रहा है, तो वो बताया जिस गांव का रहने वाला बता रहा है कि गांव में पूरा गांव ही है ऐसा मोबाइल चोरी, कुछ जानकारी मिली है क्या जो उसने बताया पूछताछ में? झारखंड राज्य में जो वो तलझारी अपना जो कि बता रहा है थाना जो क्षेत्र, तो पूछताछ में प्रथम दृष्टि बता रहा है कि अगल बगल के कुछ और भी लोग हैं जो इन कार्यों में जो है कि इन्वॉल्व है। सर, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय चोर हैं ये, जो अपने प्रथम दृष्टि वो बता रहा है कि हम लोग जाकर सीमा से लगे राज्यों में इत्यादि हम कोई व्यक्ति हो एजेंसी जो वहाँ बैठे रहता है वो हैंड ओवर कर देता है, संभवतः वो वहाँ से उसको जो है कि पास करा देता है, मतलब भारत से चुराता है और विदेशों में बेचता है ताकि ट्रेस ना हो पाए। आइए, एक पूरा एक नेटवर्क की तरह काम, उस नेटवर्क में इसका काम है मोबाइल चुरा कर उस संबंधित व्यक्ति को हैंड ओवर करने तक का वो जानकारी दे। सर, कितनी मोबाइल मिली है आज? ये आज जो मिली 28 मोबाइल टोटल जो है कि आज पूरा। आपको बता दें कि इस तरह के कई गिरोह पहले भी यूपी में पकड़े जा चुके हैं, जिनके पास भी पुलिस को बड़ी संख्या में मोबाइल मिले थे। ट्रेनों और बसों में यात्रा के दौरान ये गैंग मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। इस तरह का ये एक नहीं बल्कि अनेक गिरोह यूपी में सक्रिय हैं। लेकिन भारत से चोरी कर विदेशों में बेचने वाले मोबाइल के इस अवैध धंधे पर पुलिस नकेल नहीं डाल पा रही है। इतना ही नहीं, देश के पड़ोसी राज्य नेपाल और बांग्लादेश तक फैले चोरों के इस मकरजाल को तोड़ने में सीमा पर तैनात फोर्स भी नाकाम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।